भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती हो जाती हैं। मित्रों, एक समय की बात है जब देवी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में विश्राम कर रही थी। तब देवी राधा भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे हैं, कृपया करें और मेरे मन की जिज्ञासा को शांत कर। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी राधा, आपके मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर के कहें, मैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य ही दूंगा। मित्रों, तब राधा रानी कहती हैं, हे प्रभु, मेरे प्रश्न ये हैं कि किस श्राप के कारण महिलाओं को गर्भवती होना पड़ा तथा केवल नारी जाति को ही गर्भवती क्यों होना पड़ता है? प्रभु, ऐसा भेदभाव क्यों होता है, मैं जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी, आपने जो भी प्रश्न किए हैं उनके उत्तर थोड़े विचित्र हैं, किंतु मैं आपको इसके विषय में एक महत्वपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो कि मेरे प्रभु श्री राम अवतार की है, इसलिए आप इसे पूरा ध्यान से सुने। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, वैदिक काल में हजारों ऋषि परम पिता ब्रह्मा जी द्वारा उनके वीर और तेज से उत्पन्न हुए थे। उन्हीं में से कुछ ऋषि तथा मुनियों के पेट से देवों का जन्म हुआ था, तो वहीं कुछ मुनियों के तेज से दैत्यों का भी जन्म हुआ था। हे देवी, ऐसे ही एक ऋषि सतयुग में हुए थे जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया था। तब देवी राधा बड़ी ही आतुरता के साथ पूछती हैं, हे प्रभु, तो कौन थे वे ऋषि जिन्होंने औरतों को गर्भवती होने का श्राप दिया, और कौन थी वो संसार की पहली स्त्री जो एक ऋषि के श्राप से गर्भवती हो गई थी? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इस कथा का वर्णन महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के उत्तरकांड में दिया गया है, जहाँ प्रभु श्री राम को महर्षि अगस्त जी इस कहानी को सुनाते हैं। हे देवी राधा, ये सतयुग काल की बात है जब परम पिता भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत के उच्च बिंदु पर स्थित आश्रम में घोर तपस्या कर रहे थे। उसी समय ऋषि को अत्यंत कठोर तप करता देख अन्य ऋषि कन्याएं विचलित होने लगीं और वे अपने मन को शांत करने के लिए उन्हीं ऋषियों के समीप जाकर उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। तभी ऋषि पुलस्त्य जी ने क्रोध में आकर वहां उपस्थित सभी कन्याओं को श्राप दे दिया कि अब जो भी उनके सामने स्त्री आएगी उनकी नजर पड़ते ही वो कन्या गर्भवती हो जाएगी। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि पुलस्त्य जी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी स्त्रियां डरकर वहां से भाग गईं, लेकिन ऋषि कर्दम जी की कन्या को ऋषि पुलस्त्य जी के श्राप के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। इसलिए एक दिन वो अपनी एक सहेली को ढूंढते हुए अनजाने में ऋषि पुलस्त्य जी के सामने जा पहुंची। ऋषि पुलस्त्य जी उस समय वेदों का पाठ कर रहे थे। तब ऋषि पुलस्त्य जी ने जैसे ही नजर उठाकर कन्या को देखा, फिर उनके श्राप का असर उस कन्या पर प्रभाव देने लगा। तत्काल ही उनका शरीर पीला पड़ गया और वो गर्भवती हो गई। अपने शरीर में इस तरह का परिवर्तन देखकर ऋषि कन्या घबराकर अपने पिता के पास पहुंच गई। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, अपनी कन्या की ऐसी हालत को देखकर ऋषि कर्दम को बड़ा ही दुख हुआ और तभी उन्होंने अपने ध्यान की शक्ति से सारी घटित घटना का अनुमान लगा लिया, जिसके बाद वे अपनी कन्या को लेकर ऋषि पुलस्त्य जी के पास गए और कहा, हे मुनीश्वर, आपको हमारा नमस्कार है। मेरी पुत्री अनजाने में आपके पास आई थी, किंतु आपके श्राप के कारण आज वो संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इसे भिक्षा के रूप में ग्रहण करें। ये सर्वगुणों से संपन्न है और अनजाने में ही आपके श्राप की अभागी है, तो ये सदा आपकी ही सेवा भी करेगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, ऋषि कर्दम जी की आदरपूर्वक विनती और निष्पाप उनके पुत्री को मिले श्राप से ऋषि पुलस्त्य जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने ऋषि कर्दम जी को प्रणाम किया और उनकी पुत्री ग्रहण करने का आश्वासन भी दिया। फिर उसके बाद पुलस्त्य जी ने उस कन्या को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद वो ऋषि कन्या पुलस्त्य जी के साथ रहने लगी और उनकी दिन रात सेवा करने लगी। उनकी सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ऋषि पुलस्त्य जी ने एक दिन उनसे कहा कि हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने समान पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ। जिस समय
तुम मेरे सामने आई थी, उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने उन वेदों का श्रवण किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र वेदों का ज्ञान देने वाला विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, कुछ समय बाद उस ऋषि कन्या ने एक पुत्र को जन्म दिया और जैसा कि ऋषि पुलस्त्य जी ने आशीर्वाद दिया था कि ऋषि कन्या का पुत्र विश्रवा के नाम से जाना जाएगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, विश्रवा भी बड़े होने पर अपने पिता ऋषि पुलस्त्य जी के समान बड़े तपस्वी हुए। ऋषि विश्रवा के तपस्वी रूप को देखकर ऋषि भारद्वाज जी बहुत प्रसन्न हुए, इसलिए उन्होंने अपनी बड़ी कन्या का विवाह उनसे कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, आगे चलकर ऋषि विश्रवा को एक सुंदर बलवान गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम श्रवण रखा गया। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी राधा, इसी श्रवण का ही एक नाम कुबेर है। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तो देवी, मैंने आपके पहले प्रश्न का उत्तर दिया है। हे देवी राधा, आपका दूसरा प्रश्न था कि क्या केवल नारी ही गर्भवती हो सकती है, तो ध्यान से सुनो, नारी के समान पुरुष भी अपने दिव्य तेज से गर्भवती हो सकते थे, किंतु हे देवी राधा, एक स्त्री को संसार की दिव्य शक्ति स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी ने दी है और उनकी रचना करने में उन्हें कई गुना अधिक ज्यादा समय लगा था, इसलिए नारी को ये श्राप रूपी वरदान है कि वो इस संसार का निर्माण ब्रह्मा जी के बाद स्वयं कर सकती हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये कथा आपको पसंद आई होगी और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। धन्यवाद।